अरे बहुत तीखा हुआ यार यार, नहीं यार नहीं। आ जाते हैं ये लोग फूड वीडियोस बनाने के लिए इन्फ्लुएंसर्स। थोड़ा थोड़ा ये अचार अचार मसाले जैसा टेस्ट करता है। थी मैंने तो अगर आर्ट एंड क्राफ्ट मैंने की होती ना तो मार्क्स मिल जाते ना। मस्ते मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आई एम गोपाल, मैं ब्लॉगिंग टुडे और आई जस्ट लव ब्लॉगिंग। बहुत ही सुंदर सी मॉर्निंग है और गोपाली मैडम आज सुबह सुबह गुड मॉर्निंग बनके एकदम पिंकी दी पू बनके आ गई हैं, फुल गुलाबों बनके। पता है मेरे को ना ये वाला टॉप इतना अच्छा लग रहा है कि मैं बार बार यही पहन रही हूँ, सो इट्स ओके। और मैंने ना सुबह सुबह से हल्का सा ब्लश ब्रश लगा लिया और ये देख रहे हो आप मेरे, दिस इज द रियल लाइफ, दिस इज द सोशल मीडिया लाइफ। आज की वीडियो में हम बनाने वाले बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रेसिपीज, क्योंकि ये रेसिपीज वो हैं जो भूरी बेटी मुझे रात के 2 बजे भेजती रहती है। सो प्लीज वेलकम भूरी बेटी एंड प्लीज वेलकम इन दोनों को ड्रामा देने वाली हमारी मम्मी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज तो ऐसे एंट्री दी है जैसे मतलब कोई बहुत बढ़िया शो चल रहा है। शो चल रहा है मम्मी, मैं और आप मैचिंग मैचिंग है। मैं तो हमेशा से बोलती थी यही बेकार, चलो मम्मी। Guys, I'm very excited because बहुत tasty recipe। चलिए आप लोग देखिए आज क्या क्या। अरे पता है लड़की ने मुझे इतनी पानी पूरी भेजी है, तुझे रात को 2 बजे पानी पूरी खाने का कैसा मन करता है। इसने मुझे सेम रेसिपीज बार बार भेजी है। कल मैं इसकी चैट में जाके देख रही थी तो पहली बात तो इतने वाहियात मीन्स और दूसरी पानी पूरी की रेसिपीज। तो पानी पूरी तो मैं नहीं बना रही हूँ, पानी पूरी बाहर जाके खा लेना। तो आज ना बड़ी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग सी रेसिपीज बनेंगी, काफी तो मैंने भी कभी ट्राई नहीं किया है। इतनी भेजी कि मेरे लिए भी सरप्राइज होगा कौन सी बन रही। सही बात है, जानवी ने बहुत सारी रेसिपीज भेजी थी। और डू लेट मी नो आपके भाई बहन आपको इस रात को 2 बजे रेसिपीज भेजते हैं। ये तो मुझे 2 बजे रेसिपी भेजने में जाना जाना बनाना जाना बनाना जाना बनाना। सबसे पहले क्या बना, सबसे पहले फॉर ब्रेकफास्ट हम बना रहे हैं रवा डोसा, बिल्कुल पानी वाले रवा डोसा। अच्छा हाँ, आई रिमेम्बर। ठीक है, आई एम एक्साइटेड, मुझे लगी हुई बहुत जोर की भूख। सो मम्मी कैसे, लेट्स गो। तो रवा डोसा के लिए हमें चाहिए रवा, और मम्मी हम लोगों ने बाकी सारे डोसा बनाए, कभी रवा डोसा नहीं बनाया है ना। रवा डोसा नहीं बनाया है। ठीक है ओके, लेट्स मेक सम रवा डोसा। आ जाओ, मुझे वैसे भी वो पतले क्रिस्पी, पता है नील डोसा आता है अगर आप लोगों ने खाया तो, मुझे वो नील डोसा बहुत पसंद है। तो जैसे पतले पतले जालीदार डोसे वगैरह होते हैं ना, उससे मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। गाइस, हमें रवा डोसा बनाने के लिए ऑब्वियसली चाहिए रवा, फिर हमें चाहिए चावल का आटा, हमें चाहिए मैदा और थोड़े से प्याज हरी मिर्च, ये सारी चीजें। ये गया अंदाजन रवा, फिर इसमें गया मैदा और फिर इसमें डालेंगे चावल का आटा। अब हम इसमें डालेंगे प्याज, बारीक कटा हुआ प्याज। पता है मेरे घर में ना वैसे सारी चीजें मिलेंगी आपको, सब कुछ सब मिलेगा। जिस दिन मुझे वीडियो बनानी होगी, जिस दिन मुझे वो चीज चाहिए होगी, उस दिन वो नहीं होगी। अभी दही हम थोड़ी जुगाड़ कर रहे हैं, हमने ना ये दोपहर की एक रेसिपी के लिए दही को लटका के रखा हुआ है, हमें हंकड़ बनाना था तो अब वो आधा हंकड़ में से हम दही ले लेंगे। ये जाएगी मिर्ची, ये गई इसमें अदरक, स्वाद अनुसार गया नमक। अब हम इसमें डालेंगे फ्रेश धनिया। ठीक है, अब हम इसमें डालेंगे बहुत सारा पानी। गाइस, इसकी कंसिस्टेंसी एकदम पानी जैसी हो गई है। आई गेस ये बनने के लिए तो तैयार है। अब लेट्स सी ये पलटेगा या नहीं पलटेगा यार, आधा दुख तो यही है जीवन में। गाइस, बेवकूफ गोपाली दही डालना भूल गई है तो हम इसमें दही भी डालेंगे। गाइस पता है गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ गई है, इतनी ज्यादा बढ़ गई, इस समय सुबह सुबह इतनी गर्मी लग रही है। मटके का पानी तो उधर रस्ती। आप लोग मुझे अपने आगे गर्मी का हाल बताओ। मैंने आज सुबह सुबह पढ़ा कि कश्मीर में तो बर्फ पड़ रही है, मेरे यहाँ पे इस समय तो की गर्मी है। ठीक है, हम रवा डोसा बना लेते हैं, पॉइंट से भटकते नहीं क्योंकि लगी हुई है बहुत जोर की भूख। आ जाओ। चलिए जी, ये गया थोड़ा सा घी। क्या लगता है हमारा ये डोसा हम पलट पाएंगे और पतला करोगे? मेरा मन तो है और पतला करने का, पर मुझे अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है नहीं। चलिए जी, जाने देते हैं। पर इनका मेरा नहीं, अपने को और पतला करना पड़ेगा, पर मुझे लगता है यार पानी पड़ेगा क्योंकि इनका एकदम जालीदार बना यार। गाइस, ये एस्थेटिक कटोरा को डिच करके अब हम लेंगे अपना बेसिक सा कटोरा। अब जब हम अपना ही स्वाद का बना रहे हैं, तुमने थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है, बिल्कुल हल्का सा धनिया पाउडर। आई थिंक अब मुझे लग रहा है कि नमक कम लग रहा है। चक्के देखिएगा गाइस, कच्चा बाटा चक्के देखते नमक कम है। परफेक्ट भाई, क्या टेस्टी लग रहा है ये भाई साहब, ये कच्चा इतना टेस्टी लग रहा है, छाछ जैसा लग रहा है और कढ़ी पत्ता और काफी फ्रेशनेस सी भी लग रही है। कढ़ी पत्ता मैंने डाला नहीं है बट मैंने बोल दिया है, बट हाँ आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। गाइस, ये बन के तैयार होगा ना,
मेरे को बहुत होप्स हैं इससे, ये बन के तैयार होगा ना बहुत अच्छा लगेगा। गाइस मैं आपको एक बार कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ, ये देखो वाइट वाटर लग रहा है ये, पर इसमें जो दही का टेस्ट आ रहा है ना वो ज़्यादा अच्छा आ रहा है। ये वाला तो निकल नहीं रहा। गाइस हम स्क्रैम्बल्ड डोसा बना रहे हैं। ए मन करता है ठगी थोड़ी। ओके ये गाइस, ये हम हमारा पतला वाला फाइनल वाला डोसा बनाने की ओर लग चुके हैं, और प्लीज आप सब लोग मुझे ऑल द बेस्ट बोल दीजिए ऑलरेडी। ये बनाना बेटे, ये बन ही गया, बन गया। अगर कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, वो कोशिश मैं हूँ। उन लोगों ने ना इसको पलटा नहीं था, उन लोगों ने इसको फ्लिप नहीं किया था, इसी को मोड़ के रख लिया था, है ना। फिर ये अगर एक बनने में इतना टाइम लगता हो तो मैं थक ही जाऊँ। वो रवा है ना, रवा थोड़ा धीमे होता है। मैं बहुत इम्पेशेंट हो रही हूँ अभी इस रवा डोसा के साथ, पिछले 10 मिनट में तवा पे है मम्मी। मम्मी पता है ये गिव अप और डिसअपॉइंटमेंट वाला चेहरा बना के गई है। ये क्या बना रही है, बन ही नहीं रहा है। मैं मजे से एक्सरसाइज कर रही थी, फिर इसने मेरी एक्सरसाइज भंग कर दी। गाइस शी कांट टेक इट, आई लुक गुड, आई लुक फिट, आई लुक हॉट। इसको एक काम दिया था, चेकबुक का, मैडम जी भूल जाते हैं। सुबह से दिया है, आपकी तो मिल भी नहीं रही है, समझी मेरी मिल तो मेरी चेकबुक मिली हुई है, तुझे मुझे पैसे देने इसीलिए करे। चेकबुक मेरे पास मेरी है। अरे चेकबुक की बात डालो, डाल जल रहा है, पहले दे, जला नहीं फेल है गाइस। सिस्टर पक्की बात, मैं पहले ही बोल रही हूं फेल है। बताओ क्या क्या बनेगी यार, चलो पलटो, वो स्क्रैम्बल हो जाएगा अभी। हाँ तो तू ऐसी रेसिपी बेचती क्यों है, तुझसे बनाई नहीं जाती, ऐसा बोलना। बोलो अगर ये बोला कि मम्मी बना रही है, ये मम्मी बना रही है। मम्मी यहाँ से हुआ नहीं, यहाँ से नहीं हुआ अभी। देखो इट्स मी एंड माय मॉम हु नो हाउ टू कुक, नॉट हर। जाननी मैडम, मुझे बहुत जाननी मैडम मन कर रहा है। जाननी मैडम बताइए, अभी इसी गर्म तवे पे आपको मिठाने का मन कर रहा है मेरा। अब इसको एक बार टेस्ट और करके जा, तू ये बोलेगी वाह बहन वाह, रुक जा और बनाओ एक से क्या होगा। हाय और बनाऊंगी गाय, ये मुझे खिलाती तो है नहीं, पानी वाला डोसा खिला रही है, कितनी कंजूस है ये देखो। ये देखिए ऐसे बनता है, खाने के अलावा कभी देख भी लो चीजें बनती कैसी है। गाइस हमारा क्रिस्पी रवा डोसा बनके तैयार है, चल जाने चक। ये देख आवाज देख, एक मिनट गाइस, कोई मेरे हाथ काट दो, इतना क्रिस्पी बनाने के बाद मेरे हाथ बचने ही नहीं चाहिए। नाइस इट इज, कमी निकाल नहीं है, अच्छा बनाया गाइस। कभी अगर आप संडे को ऐसे वेले बैठे हो और आपको ऐसे कुछ नया ट्राई करना है तो आप ये ट्राई कर सकते हो। ये आपके लिए एक बाइट है, ये लीजिए चखिए एक बाइट। नमक बहुत तेज है। वो पहला वाला कैसा हुआ था? वो पहला वाला हमारी गलती नहीं है, वो ज्यादा हमारी कुछ गलती, कुछ मोटा बना दिया ना। जब कुछ खराब होता है तो मेरी गलती नहीं होती है, तो भगवान नहीं चाहते कि मैं वो खाऊं, इसीलिए नहीं बना था वो सही। लुक वाइज आप ये देखो कितनी क्रंची है। मैं हूँ ही स्मार्ट मम्मी, अब आपको प्लीज ये मान लेना चाहिए, बहुत ही टेस्टी है। बड़ी सीमा दीदी को खिलाती हूँ, हाँ, अपनी जेठानी को। बड़ी मम्मी और मम्मी अब डोसा पार्टी करने वाले हैं मेरी, और अब नेक्स्ट तैयारी करो, लेट हो जाएगा, फिर जल्दी तैयारी करो। आज आप लोग लंच मेरे हाथ का खाने वाले हो? लंच उसमें मैंने नहीं बनाया गाइस, हमें लंच में बना रहे हम दो चीजें, एक है ठेचा पनीर। तो मैंने ना इस मास्टर शेफ के सीजन में ठेचा बहुत ज्यादा सुन लिया है, मैंने कभी नहीं खाया है। आई गेस एक मराठी चटनी जैसी होती है ठेचा, जो अब लोगों ने खाने में भी यूज करना चालू कर दी है। सो यहाँ मैं रेसिपी डाल दूंगी ठेचा पनीर की, जो रील हम फॉलो कर रहे हैं। ये रेसिपी नताशा गांधी की है, मैंने इनको मास्टर शेफ में देखा और बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपीज बनाती थी ये। और हम दूसरी चीज बना रहे हैं ब्रोकली, क्रिस्पी ब्रोकली समथिंग। तो मुझे और जानवी को, हम दोनों को ब्रोकली बहुत बहुत ज्यादा पसंद है, और इस पर्टिकुलर रेसिपी लिए तो जानवी ने मुझे बोला भी था दीदी बनाना यार एक बार, तो मैंने मुझे चखनी है। तो ये जितने भी सिबलिंग्स हमें रेसिपीज भेजते हैं ना, ये कोई भी ऐसे पूरा खाना नहीं होती है, ये ऐसे चटरपट करने की चीजें ही होती है, सिर्फ स्नैक्स भेजती है पूरी बेटी मुझे। सो यस हम कर लेते हैं लंच की तैयारी, ठेचा पनीर और क्रिस्पी ब्रोकली। आ जाओ अरे आ जाओ जी। गाइस मैं वापस अपनी रसोई में आ गई हूँ। आई डोंट नो मम्मी आई कैसे करती है ब्रेकफास्ट बना के तुरंत लंच पे कैसे हॉप ऑन करती है। बड़ा मेरा ब्रेकफास्ट आज लेट हो गया था, क्योंकि दीदी जी तो सो के लेट उठती है ना यार। दो दिन पहले कुकिंग करने का बहुत मन कर रहा था, आज मेरा कुकिंग करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। ब्रोकली बॉईल कर रहा है, आई एम सुपर हंग्री। एक बार सुपर वापस बोलियो, सुपर। तूने मुझे इतना मारा, जानू मुझे लगती है बकवास ना, तू तो तूने मुझे धक्का क्यों दिया ऐसे। हाँ तो ऊपर चले जाऊंगी तो मेरे को क्या धमकी दे रही है, जाओ ऊपर। अरे मेरे को बहुत भूख लग रही है तो मैं इसको ना फटाफट हेल्प करके खा लेती हूँ। पहले ब्रोकली हम खच खच
कट कर लेते हैं गाइज। मुझे लगता है बड़ी मम्मी शैली या जीनू दीदी में से किसी एक को डांट रही है, बेवकूफ बेवकूफ मुझे सुनाई दे रहा है, तो पक्का इन्हीं दोनों में से किसी को डांट पड़ रही होगी। इसने सुबह जल्दी किया था, मैंने अभी किया है ब्रेकफास्ट, ये काटना ही भूल गई है। तो तू मुझे काटने दे, उतना टाइम तो और वो भी डाल जानवी, मैंने तेरा मर्डर, तू ऊपर जा, मैं तेरे साथ काम कर ही नहीं पाऊंगी। हाँ सेम वाइस वर्सा, आई फील सो गुड कुकिंग हेल्दी रेसिपी एज वेल एट द सेम टाइम, दैट टू ब्रोकली, आई लव ब्रोकली एंड पनीर, एक्सरसाइज करने के बाद मजा आ गई और मैं वही रेसिपीज भेजती हूँ इसे जो मुझे पसंद है। ओके गाइस, हम बनाने जा रहे हैं ठेचा पनीर, जिसके लिए हमें चाहिए बहुत सारी मिर्ची, बहुत सारी मिर्ची। लो दे दो मुझे शिमला ने, थैंक यू सो मच मम्मी। नहीं नहीं बस भाई, बहुत कम दही तुम लोगों ने, दही हमारे पास था नहीं, ठीक है, इतने से दही में क्या ही होगा। यहाँ पे हम सेम जिस डोसा में हमने तवा बनाया था, जिस तवा पे हमने डोसा बनाया था, वही तवे पे हमने थोड़ा सा घी डाल दिया है, तेल डाल दिया है। मेरे दिमाग को चिल्लाओ मत, मैं चिल्लाऊंगी। ओके तो अब हम ये कर्ड में डालेंगे मेयो, दिस इज एगलेस मेयो, आई थिंक दैट्स इनफ। अब हम डाल रहे हैं चिली फ्लेक्स गाइज, अब हम इसमें डाल रहे हैं चिली गार्लिक, एक इतना ठीक है, और हम इसमें पीनट्स भी डाल देंगे गाइज। इसमें हम थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, विल ऑल्सो पुट सम जीरा। अब हम इसको करेंगे अच्छे से स्टिर, क्या खुशबू आ रही है भाई साहब। ये ना हम हल्के से स्लो गैस पे रख देते, तब तक हम उसके ऊपर बनाना में उसके ऊपर एक चीज डालनी है, उसके लिए हम पेस्ट तैयार कर लेते हैं। अब ना हमें इन्हें एक फ्लैट चीज से प्रेस करना है, तो मैंने ये बर्तन लिया है और वॉश कर लिया है, नाउ आई एम गोइंग टू प्रेस इट। गाइज हम ले रहे हैं हैंडफुल ऑफ धनिया, मुझे ये वर्ड यूज कर रहा था हैंडफुल, मैंने बहुत लोगों को यूज करते हुए देखा था। वील यूज हैंडफुल ऑफ पीनट्स, वील यूज हैंडफुल ऑफ कोरिएंडर, इसको धुल लेते पहले हम। हम डालेंगे थोड़ा बहुत चिली फ्लेक्स, ठीक है, ये हमने हमारे मिक्सर जार में डाला धनिया, थोड़ा सा ओरिगैनो, अरे थिक कड़ तो मुझे चाहिए था बहन, नॉर्मल कड़ यूज करो, पर मेरे में नहीं चलेगा, मेरे में भी नहीं चलेगा। अब हम इसको एयर फ्रायर में डालेंगे गाइस, ये जो बैकग्राउंड के काम होते हैं ना, एयर फ्रायर साफ करना, ये वो करना, ये काम बुरी बेटी मुझसे कराती है जो बताती नहीं है। इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन चिली, अब हम इसमें डालेंगे हमारी ब्रोकली गाइस, ये है धनिया, ये है पार्सले। जानवी मैडम का कहना है धनिया और पार्सले सेम है, मुझे लगता है कम पड़ेगा अपने को, ये चम्मच से सारा कुछ नहीं निकल रहा गाइस। हम ना अब ये ठेचा पीसने के लिए रख देते हैं गाइस, हमारा ठेचा यहाँ पे बनके तैयार हो गया है। सो आवर डिश इज रेडी, नाउ लेट्स डू द प्लेटिंग। उनकी ब्रोकली ना ज्यादा फ्लैट थी और उन्होंने ज्यादा डेकोरेटिवली प्लेटिंग ली थी, मेरी तो होगी, मैं डिग इन कर रही हूँ। व्हाट इज दिस ब्यूटीफुल ठेचा भाई साहब, टेस्ट करा, तीखा है? नहीं नहीं करना। अरे बहुत तीखा होगा यार, यार नहीं यार नहीं, चक्री की तरह। अच्छा चल नीचे रख, तेरी शक्ल देख के तो तेरे खान में से धुएं आ रहे हैं। नाइस गाइस, हमें ना पनीर ऐसे कट करना है ताकि हम इसके अंदर फिल कर सके ठेचा को, तो ऐसा हम ट्राई करते हैं। हमने बीच में से स्लाइस कर लिया है, यहाँ पनीर हमने कट करके रख लिया है, नाउ लेट्स पुट सम हंक कर्ड इन दिस। कितना सुंदर कलर आ रहा है इसका, चलिए ये भी एक बार हम चख के देख लेते हैं। इसमें नमक कम है, धनिया काफी स्ट्रॉन्ग है,
एस पनीर के साथ अच्छा लग गया एंड थैंकफुली बिल्कुल तीखा नहीं है तो सारा तीखा हमारे ठेचा में ही है। आई एम सो एक्साइटेड टू ट्राई दिस क्योंकि बहुत भूख लगने लग बहुत टेम्पटिंग लग वो क्रिस्पी डोसा ना वो तो भाई पेट में जाते कहाँ चला गया पता ही नहीं चला। जो डिप है ना ये अमीरों वाला खाना लग रहा है। मम्मी चक्के देखो जरा। वाह भाई वाह मजा आ गई। मैं तो बना रही हूँ। हमारे पास ये जो पनीर है ना अब ना हमें इसके अंदर ठेचा भरना है। दिस इज सो स्पाइसी आई एम सो एक्साइटेड टू ट्राई दिस। मुझे तीखा बड़ा पसंद है। मुझे बताना आप तीखा खाते हो या नहीं। और फिर हमें इसको इसमें कोट करना है। ये लग तो काफी उनके जैसा ही रहा है गाइस। तो सीन ऐसा है कि हमें वैसे इसे ग्रिल करना होता है बट हमारे पास ग्रिलर है नहीं तो हम इसको तवे पे भी सेक सकते हैं। तो हम इसको छोटू से तवे पे सेकेंगे। मुझे ना ठेचा बड़ा अच्छा लगा है। मैंने ये ठेचा रखने वाली हूँ बचा के और मैं बाकी चीजों के साथ खाने वाली हूँ। गाइस ये पनीर पलटने में मौत तो आ रही थी पड़ लग काफी अच्छा रहा और खुशबू भी काफी अच्छी आ रही है। गाइस हमारा ना यहाँ पे ठेचा पनीर बन के तैयार हो गया। इस पे पहले तो मैं थोड़ा सा लेमन स्क्वीज कर रही हूँ और अब हम इसको डेकोरेट कर लेते हैं थोड़ा सा। देख रहे हो दीदी जी आजकल कितनी स्मार्ट हो गई हैं। गाइस मेरी बड़ी सुंदर सी दिखने वाली मास्टर शेफ रेसिपी तैयार हो चुकी है। आज इसको टेस्ट करते हैं। मुझे भूख भी लगी है बहुत जोर की। बहुत तीखा बना दिया इसने। दिस पता है तूने रेसिपी भेजी थी वो रेसिपी खाने के बाद खुद ही दीदी जी ऐसे कर रहे थे। कोई नमक नहीं है बिल्कुल। आ जाते हैं ये लोग फूड वीडियोस बनाने के लिए इन्फ्लुएंसर्स। नमक ही डालना भूल गए बताओ। आप ऐसी डिश सर्व करेंगे। हाँ मुंह बंद ही रख तो थोड़ी देर। सो गुड चल मम्मी। बट माइन वाज बेटर। दिस इज आल्सो वेरी गुड। चुप कर। तो पहली बात ये तीखा है। ठीक है तीखा है थोड़ा सा और पर खुशबू बहुत अच्छी है। मुझे मम्मी को ठेचा करना खिलाने में इतना डर लग रहा है। ठेचा ठेचा पनीर मराठी वो होती है चटनी। आज मैं मना कर ही नहीं पा रही। मुझे ये था कि मैं कोई चीज को मना करूं। अच्छा है ये ज्यादा अच्छा है। ब्रोकली ज्यादा अच्छी है। ये ज्यादा अच्छा पहली थी। मैडम जी ने नमक ही नहीं डाला। चल चुप कर। मैडम जी ने नींबू नहीं डाला। नींबू डाल के लाई सब तो मैंने बनाया। मैं नींबू डाल के आई। नींबू डाल दिया। नहीं नहीं आपको ये ज्यादा अच्छा है। बाबा मेरा वाला इतना हेल्दी था ना। टेस्ट करने से पहले अच्छा बस गाइस अच्छा। 10 में से कितने 11 नंबर की 10 में से अच्छा है। काफी अच्छा नंबर दे दो। काफी अच्छा है नंबर कैसे दू। ये मार्क्स को जस्टिफाई करने लायक डिश नहीं है ऐसा कह रहे हैं पापा। हेलो जी हेलो। शाम की बन रही है यहाँ पे चाय और चाय के साथ हम बनाने आ गए हमारे शाम का नाश्ता वास्ता। तो आज हम बनाने वाले हैं ये वाली जो रेसिपी है चिप्स के साथ चीज और नाचोस जैसा कुछ बनाना था। ये भी जानवी ने मुझे भेजी थी और ये एक टाइम पे बहुत वायरल भी हुई थी। सो यस लेट्स ट्राई दिस। मुझे इसमें बहुत सारी चीज दिख रही है और मुझे तो लेज इन नॉर्मली भी अच्छे लगते हैं। तो देखते हैं। ये बेसिकली एक चिप्स चाट चीज जैसी बन चुकी है। यहाँ पे हमारे पास हवा से भरा हुआ पैकेट है इस्तेमाल। अब हमें प्याज और टमाटर बारीक काट लेने हैं। आ जाइए वो कर लेते हैं। गाइस आई एम नॉट समबडी जो इतना चीज चीज खाता है बट लेट्स सी ये कैसे लगने वाला है। ओके अब हम इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे अनियंस टोमेटोस। देख एकदम बिल्कुल वैसा ही रहा है। अब हम इसको गरम गरम खा भी लेते हैं। आज और यहाँ चक्कर रुक तुझे चखाती थी कि किसी किसी को बहुत ज्यादा चीज पड़ गया। गरम है और चीज आपकी अच्छी लग रही है चिप्स के साथ। अगर आप नॉर्मल चिप्स खा के बोर हो गए हो कभी तो यू कैन मेक दिस। घर पे मूवी वूवी देख रहे हो ना हमारे पास मुझे इवनिंग स्नैक के लिए एक और चटाकेदार चीज है। बड़ी इजी है वो भी हम बनाएंगे। पहले हम इसे एंजॉय कर लेते हैं। गाइस इट्स टाइम टू मेक सम कच्चा आम मसाले के साथ। फेवरेट स्नैक है गर्मियों का। आ जाओ गाइस हमने ना हमारा आम तो कच्चे काट लिए हैं। अब हम बनाने जा रहे हैं इसके ऊपर का वो लेयर कोट करने के लिए। तो पहले हम डाल रहे हैं चीनी। फिर हम डालेंगे नमक।
फिर हम इसमें डाल रहे हैं शींग दाने का पाउडर, पिसा हुआ शींग दाना बेसिकली। और अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च, उनकी तो बहुत लालम लाल लग रही थी। गाइस हम कलर मैच करने के लिए डाल रहे हैं थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च। हम ना बिल्कुल वीडियो जैसे ही डेकोरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। गाइस हमने यहाँ पे मैंगोज अपने कट कर लिए हैं, इसको मस्त मसाले में डिप कर, वो बिल्कुल वीडियो जैसा लग रहा है। चक्के दिखते हुए कुछ कमी वमी होगी तो हम कर सकते हैं। शुड आई टेस्ट इट? मस्त फ्लेवर से इसके, इट इज स्पाइसी और हमारा आम भी हल्का सा मीठा है, खट्टा है, पीनट्स की वजह से क्रंच और ऐड हो रहा है। ओह दिस इज सो गुड। नहीं यार अच्छा लग रहा। अच्छा वो खट्टा का एक अपने आप में, yes। थोड़ा थोड़ा ये अचार अचार मसाले जैसा टेस्ट करता है। हेलो जी, शाम के बज रहे 7:15 और हम अपने डिनर की थोड़ी सी तैयारी कर लेते हैं भारी से बम्प के साथ। अभी हम बहुत ही एस्थेटिक से दिखने वाले एक मोमोज बनाने वाले हैं, पर मुझे अभी बिल्कुल भी भूख नहीं लगी है, तो हम मोमोज की स्टफिंग वगैरह बना लेते हैं, फिर हम आराम से रात को मोमो बनाते रहेंगे। तो आ जाइए हम स्टफिंग बना लेते हैं तीसरी आंख के साथ हमारी। तो यार लोगों से भी नहीं सुनते, तो देख ही नहीं जा रही थी। ये दुख रहा है यार, बहुत तेज दुख रहा है। मैं तो क्या लगा है मेरे को, ये वाला दरवाजा धाम करके मेरे माथे पे बजाया। हेलो जी, मैं आ चुकी हूँ किचन में, बनाने जा रहे हैं हम मोमोज। तो हमने मोमो की स्टफिंग जो है ना, वो तो कल फ्रिज में रख दी थी। ये जो वीडियो में आपको जैसे घास दिख रही है ना, कल हम वैसे ही घास लेके आए थे, बट मम्मी को लगा वो कचरा है तो वो फेंक दी गई है। अब मैंने ना थोड़ी सी जुगाड़ बिठाई है, हमारे ना गार्डन में छोटे छोटे वाले फ्लावर्स, गार्डन गमला लगा रखे दो, उसको मैं गार्डन बोल रही हूँ। हमारे गमलों में ना जैसे छोटे छोटे से फ्लावर्स हो रहे हैं, तो मैंने ना ये फ्लावर्स निकाल लिए हैं। और ये कड़ी पत्ता की जो ये टॉप वाली चीज़ें होती है ना, ये देखो ये बिल्कुल छोटी छोटी सी पत्तियाँ हैं, ये भी निकाली हमारे पास। वैसे रोज़ भी है और ये एडिबल है, तो हम ट्राई कर रहे हैं कि हम इससे कुछ आर्टिस्टिक बना लें। बेसिकली आज हमें मोमोज में अपनी आर्ट एंड क्राफ्ट की क्लास दिखानी है। लेट्स सी हम कैसे करते हैं, आ जाओ। ओके जी, हमने ना इसको से आधा बेल लिया है। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज कि मैं ना ये फूल को थोड़ा सा पहले कट करती हूँ। आर्टिस्टिक मोमोज बना रही हूँ मम्मी आज। नाउ लेट मी ट्राई एंड पुट दिस, देखते हैं ये टिकता है या नहीं टिकता है। इतनी मेहनत अगर आर्ट एंड क्राफ्ट मैंने की होती ना तो मार्क्स मिल जाते। कभी मैंने मेरी ड्राइंग कुछ खुद नहीं बनाई है। कोई बात नहीं, आप लोग मार्क्स दे देना इनको। मेरी घास फेंक दी गई है तो मेरे पेपर क्राफ्ट। लेकिन आपकी गलती है ना, ये चीज बतानी चाहिए थी ना। वो पता है, वो होता है ना कि आपको एक दिन पहले याद आता है कि क्राफ्ट पेपर चाहिए, वो वाला हाल था मेरा अभी सुबह सुबह। ओके गाइस, दिस स्टिल लुक्स गुड। ये देख रहे हो, हमने दिल के बाजू में कड़ी पत्ता जैसा चिपका दिया है। लेट मी जस्ट फिल सम मोमोज। मम्मी आपको स्टीम कर दो, स्टीम वाला बना दो, जुगाड़ू स्टीमर हमारा। ठीक है, हम इस पर मोमोज भर रहे हैं, मतलब हम इस पर स्टफिंग भर रहे हैं गाइस। ओके, ये फिर भी अच्छा लग रहा है, तो हमारा ये एक बन गया। हम और ऐसे कुछ बनाने की कोशिश करते हैं अलग अलग शेप के। आ जाओ, देख कितनी आर्टिस्टिक मोमोज बनाए मैंने। क्या देख कर रही है ये, जो तूने एक रेसिपी भेजी थी इसको ध्यान ही नहीं है। हाँ, ये देख, मैं देखूं? देख अभी अभी जस्ट रखे हैं। ओ याद आया, वाह कितना टाइम लगेगा। मेहमानों की तरह आती है। और तीन ही क्यों रखे हैं तूने? और आठ बनाओ अब खुद। नहीं आठ बन दो ना, हम नॉर्मल बना। आठ तीन ही कर सकते हैं, बाकी नॉर्मल खाने गए कि नहीं। गाइस मुझे ऐसा लग रहा है हमारा हार्ट, तो हमारा हार्ट आधा रह गया है गाइस। ओ गॉड, और ये सनफ्लावर भी ऊपर आ गए। तो यार ये मैंने एक्चुअली पकने के बाद कैसा लगेगा ये मुझे भी नहीं पता था, कच्चा बड़ा अच्छा लग रहा था। ये तेरे दिल को क्या हुआ? हाँ दिल मेरा टेढ़ा हो गया, आधा रह गया है। मैंने तेरे दिल को सही कर जानवी हैज हील्ड माई हार्ट नाउ।
बट आई गेस ये ऑलमोस्ट हो गए और हमने ना यहाँ पे नॉर्मल वाले मोमोज भी बना दिया क्योंकि हमारे पास स्टफिंग वगैरह रखी हुई थी एंड यस हम इसको निकाल के देखते टेस्ट में तो नॉर्मल ही लगेंगे सिर्फ इनकी शक्ल सूरत अलग सी थी बट ये ही आ जा सकते हैं। हेलो जी हमारे मोमोज यहाँ पे बन गए हैं। ये जितने ज्यादा सुंदर जब बन रहे थे तब लग रहे थे अब नहीं लग रहे और मुझे अब ऐसा मैंने रियलाइज किया है कि ये ना बहुत मोटे मैंने बेल दिए थे क्योंकि मुझे डर था कि फट फुट ना जाएं बट ओके स्टिल लेट्स जस्ट टेस्ट देम। बहुत टेम्प्टिंग लग नहीं रहे ये क्योंकि स्टफिंग बहुत टेस्टी बनी है बस इसकी मुझे ना आज तक कभी मैंने ढंग के मोमोज तो बना ही नहीं पाए हैं। बन गए हमारे मोमोज भी ये कच्चे ज्यादा एस्थेटिक लग रहे थे। मेरे पास ऐसी बहुत सारी वीडियोज हैं जो एकदम पिंटरेस्टी खाना पीना है मुझे बताओ अगर आपको वो देखनी हो तो। एंड यस आई होप यू गाइस एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना। आई एम गोना सी यू इन माय नेक्स्ट वन। तब तक बाय टेक केयर बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। आई एम ऑलवेज एंड ऑलवेज एंड ऑलवेज ग्रेटफुल टू यू गाइस। टाटा।